हेलो फ्रेंड्स, आज आप लोगों को हम दिखाएंगे विंटर सीजन का एक बेस्ट फ्लावर कॉस्मोस। मेरा भी बहुत फेवरेट है। आज दिखाएंगे ये कॉस्मोस फ्लावर की सीड आप कैसे कलेक्ट करोगे और इसका जर्मिनेशन रेट नेक्स्ट ईयर के लिए 80-90% कैसे लाओगे। जैसे आप देख रहे हो, मेरे पास यह है डीप पिंक है, यहाँ पे देख रहे हो आप एक पिंक कलर की है, यहाँ पे आप देख रहे हो वाइट कलर की कॉस्मोस है, यहाँ पे आप देख रहे हो एक मल्टी कलर का है, यहाँ पे भी आप देख रहे हो एक अलग कलर का है और यहाँ पे भी और एक मल्टी कलर का है। आप देख रहे हो ये जो है ना, सारी सीट पॉट बना हुआ कॉस्मोस का, यहाँ पे है, यहाँ पे है, ये भी जो बन रहा है ये भी सीट पॉट है कॉस्मोस की, यहाँ पे भी सीट पॉट है कॉस्मोस की। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, गलतियाँ करते हैं, ये जो जैसे जब सीड ऐसे बन जाती तब भी इसको काट लेते और काट के धूप में सुखा लेते, लेकिन क्या है ना, इसके अंदर सीड ठीक से पका नहीं, तो ऐसे बिल्कुल नहीं करना। अगर आप ऐसे सीड कलेक्ट करोगे, इस सीड से आप बिल्कुल जर्मिनेट नहीं करवाओगे फ्लावरिंग का प्लांट, ये सीड बिल्कुल सही नहीं हुआ अभी तक। ये जो सीड देख रहे हो बिल्कुल ये रेडी सीड पॉट, आप लोग सीड जी ऐसी सिचुएशन में ही हमेशा कलेक्ट करना, प्लांट में ही सीड को हमेशा के लिए सुखाना, उसके बाद देखो आप कैसे ये सीड कलेक्ट करोगे। बिल्कुल ऐसे करोगे तो ऑटोमेटिकली ये सीड आपके हाथ में आ जाएगी। ये देखो आ रहा है कितना शानदार ऐसे आ रहा है, ये देखो कितना शानदार सीड आ गया, बिल्कुल मतलब ड्राई सीड। ये पौधे में ही बिल्कुल इस सीड को सुखाना है और ऐसे बिल्कुल ऐसे ही कलेक्ट करना है। ये सीड को नेक्स्ट ईयर के लिए आप कैसे स्टोर करके रहोगे, इसके लिए हमने एक एयर टाइट पॉट लिया हुआ, ये तो देख रहे हो बिल्कुल एयर टाइट। अब जब इसको लगा दोगे बिल्कुल एयर टाइट हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, इस सीड को थोड़ा सा ये निकाल देंगे, बस ऐसे रख देंगे, रख के इसके अंदर बहुत सारे सीड बाद में डालेंगे हम, तो ऐसे करके बिल्कुल एयर टाइट करके अगर आप रख दोगे तो ये नेक्स्ट साल के लिए आराम से रह जाएगी और आपका सीड 100% जर्मिनेट होगी। होपफुली आप समझ गए हो कॉस्मोस की सीड कैसे कलेक्ट कर सकते हो। हम भी ऐसे कॉस्मोस की सीड कलेक्ट करते हैं एंड बहुत सारे सीड कलेक्ट करते हैं एंड ये सारे सीड हम अपनी फ्रेंड्स को गिफ्ट भी करते हैं। तो अगर आपका ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, कॉमेंट एंड शेयर करना, हमारी चैनल भी सब्सक्राइब करना। थैंक यू।